पानीपत CIA 1 को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और हरियाणा में महिलाओं के कानों की बाली तोड़ने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। CIA 1 की टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। सनौली रोड से इनकी गिरफ्तारी हुई है और दोनों अपराधी सनौली रोड से पकड़े गए हैं। बीते दिनों यूपी के शामली में 25 मिनट में 5 महिलाओं से लूट की वारदात यहाँ पर हुई थी। सनौली रोड से गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी, ये बड़ी और अहम खबर, बीते दिनों यूपी के शामली में 25 मिनट में 5 महिलाओं से लूट की गई थी। पानीपत CIA 1 को ये बड़ी कामयाबी मिली है, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी और हरियाणा में महिलाओं के कानों की बाली तोड़ने वाले गिरोह का ये पर्दाफाश हुआ है, तो CIA 1 की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी जो पकड़े गए हैं वो भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा संवाददाता पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। शामली में 25 मिनट में 5 जो महत्वपूर्ण आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, पूरी जानकारी इनके बैकग्राउंड को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजश्री, इसमें जो है ये शामली के अंदर इन्होंने 25 मिनट में 5 ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था, और सबसे बड़ी बात है जो महिलाएं थी और जो बालिकाएं थी उनकी बालियों को ये टारगेट किया करते थे। इस तरीके की शामली के साथ साथ मुजफ्फरनगर में भी बताए जा रहे हैं, और वहीं इन्होंने पानीपत में भी इस तरीके की कुछ वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें जो है CIA 1 के जो इंचार्ज है दीपक कुमार, उनको बड़ी कामयाबी मिली और सनौली रोड से पकड़े गए हैं, और बताया जा रहा है कि ये कैराना के रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इन लोगों को जो है अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि इनके साथ कौन कौन लोग शामिल हैं। अभी कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट से 2 दिन का पुलिस को रिमांड मिला है, और रिमांड मिलने के बाद अब ये पता लग पाएगा कि इन लोगों ने किन किन वारदातों में ये शामिल रहे और कौन कौन सी वारदात कहाँ कहाँ की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अभी इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। सनौली रोड से इन दोनों अपराधियों को पकड़ा गया है और 25 मिनट में 5 महिलाओं से उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, और पानीपत CIA 1 की टीम ने यह कार्रवाई की है। यूपी और हरियाणा में महिलाओं के कानों की बाली तोड़ने वाले गिरोह का ये पर्दाफाश हुआ है।